डांसिंग के स्टाइल में ही देखा है, जैसे कि हमने हमको हमेशा या तो मस्ती या ऐसे, इस पिक्चर में आप किस तरह का किरदार निभा रहे थे उन्होंने? जितनी मस्ती आपने मुझे करते हुए देखा है आज तक, उससे एटलीस्ट 10 times मोर आप मल्टीप्लाई कर लो, हम उतनी मस्ती कर रहे हैं सब मिलकर फिल्म में। तो आप मतलब जितना सोच सकते हो उससे 10 गुना और सोच लो, और उससे भी 10 गुना और मस्ती आपको फिल्म में मिलने वाली है। लॉरेन, आपके लिए किस तरह का चैलेंजिंग था ये इस तरह का किरदार निभाना? चैलेंजिंग मतलब the role? Yeah, was the role challenging? Yeah, definitely it was challenging for me. I mean, different language, now it's Urdu, which I'm trying to learn, and a full Pakistani avatar that I have. So a lot of research was like put in, a lot of time and effort, and Jackie was very helpful with me for getting my character right. No, I think she's lying. She's very talented. Okay, मुझसे एक दो बार ही उन्होंने पूछा, पूरे lines 2 दिन पहले मिले थे तो भी इनको पूरे तरीके से याद थे, यू नो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे कहीं और लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में, जैसे जर्मन में या फ्रेंच में फिल्म करनी पड़े, इंग्लिश तो मुझे आती है, तो मैं 2 दिन में तो बिल्कुल नहीं सीख पाऊंगा। सो आई थिंक लॉरेन डिड अ ग्रेट जॉब एट दैट। आई फाइंड इट टू फन टू बी चैलेंज्ड, यू नो, आई एम गिवन समथिंग एंड लाइक यू सेड, इफ देयर इज अ कपल डेज अहेड आई विल कम टू सेट, आई विल कम प्रिपेयर्ड एंड होपफुली डू अ गुड जॉब, आई डोंट नो। बट वो तो आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ वेल शी इज परफॉर्मिंग। वेलकम टू कराची, तो ये टाइटल के बारे में हम जानना चाहेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली वेलकम टू कराची? तो बेसिकली दो लोग हैं जो गुजरात से बोट में निकलते हैं पार्टी करने, अरशद बारसी और मैं, और किसी वजह से बोट डूब जाती है और हम तैरते हुए समुंदर किनारे पहुंचते हैं सोचते हुए कि ये इंडिया है, लेकिन वो होता है कराची। और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ऑफिसर है जो हमारा पीछा कर रही है, जो है लॉरेन, और तीनों मिलके जो बवाल करते हैं वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने, आई एम श्योर आपने प्रोमो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। I just feel when you have two like dumb and dumber type characters like these two, and I'm the dumber one. He is for sure. देखिए मेरी शकल. You have to have some sensible woman in the mix, right? Yeah. Yeah. So that's where I try to come in. So Lauren, how was your experience while working with Harshad and Jackie? So how was your experience? Yeah. The experience. He's always, every time this question's asked, he's always here. बहुत गर्मी है। Yeah, one second. It's really weird. He's like right here. Yeah. You're asking. Yeah. No, such a fab experience, and I really have to give it to Jackie because I think he took on a lot more roles than just an actor in this. Like he's really put in so much effort all in the film. I see he's up like till 5-6 in the morning. He tells me working on this film. So I'm super proud of him for that. And Arshad sir, he's you know, he's, how many films has he done? How many years has he been in the industry? So to be with him and to get his input and advice was too good. Oh wow, over there, moonwalk. मुझे तो बहुत याद आ रहा है, बिकॉज मैं स्कूल और कॉलेज में आता था अपने दोस्तों के साथ और बहुत मस्ती करते थे यही वेव पूल में हम, और उस टाइम मैं 140 किलो का था तो मुझे को थोड़ी शर्म आती थी पूल में घुसने के लिए, तो मैं शॉर्ट्स पहन के और उसके ऊपर टी शर्ट पहन के फिर घुसता था अंदर। तो आज मैं बहुत टेम्पटेड था कि मैं टी शर्ट वीशर्ट उतार के सीधा कूद ही मारूँ, बट वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सो वाटर किंगडम ऑलवेज ब्रिंग्स बैक गुड मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड एंड स्कूल कॉलेज। बहुत सारे हैं, सपना के साथ भी आया था मैं। जैसे हम जानते हैं कि लास्ट आपकी जो मूवी थी यंगेस्ट फैन, उसमें आपने काफ़ी इंटेंस लोग किया था, तो इस मूवी में आप लाइक कितना फन और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर अप करना चाहेंगे आप दोनों ने? बहुत ज़्यादा फन था, बहुत ज़्यादा मस्ती थी, मतलब आई एम एक्चुअली प्लेइंग अ मंकी इन दिस फिल्म, सो यू नो इफ आई हैव टू हैव एन एनिमल ट्रेट इन दिस फिल्म आई एम अ मंकी। आई एम नॉट सिटिंग इन वन प्लेस, आई एम जंपिंग अराउंड, गोइंग क्रेजी, पागल हो रहा हूँ मैं। और तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मतलब क्या है। ऑल्सो एज एन एक्टर, यंगिस्तान एक सीरियस ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा थी, दिस इज़ अ फन फिल्म, सो ऑल्सो एज एन एक्टर आई गेट टू प्ले सो मच मोर एंड पोर्ट्रे टू द ऑडियंस दैट आई कैन डू सो मच मोर। एंड फॉर मी दिस इज अ सीरियस रोल दैट आई एम डूइंग, लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, आई हैव टू ब्रिंग द सेंसिबिलिटीनेस टू द फिल्म। So now on promotions, now I get to go nuts and like jump on stage and so if, I almost jumped in the so water if today. Animal instinct, huh? You would be a tigress, right, in the film? Oh, is that so what you think I'd be? She's a tigress running after two monkeys. Well, I right? like the sound of that. That sounds though. Good, right? Yeah, it sounds pretty nice.
जाते जाते हम एक गाना सुनना चाहेंगे मूवी का। आप लोग का चैनल बंद हो जाएगा अगर हम लोग गाना गाएंगे। क्या बोलना, बोलो क्या बोलना का, बोलो। गुजराती के मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है सम्मी, पहले पटेल बोल के मेरा वीजा रिजेक्ट किया, फिर पटेल से देसाई किया मैंने, देसाई को भी रिजेक्ट कर दिया यार। ये मैं बोल रहा हूँ ना, पटेल के खिलाफ कोई साजिश चल रही है मेरे का, बता रहा हूँ। बस यार और कितना पूरा फिल्म। अरे